भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 284 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 234 रन पर डिक्लेयर की। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू होने से पहले हमें टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ग्राउंड पर देखने को मिले। दरअसल राहुल द्रविड़ ग्राउंड पर पिच क्यूरेटर से बात करते हुए दिखाई दिए और पिच पर रोलर चलवाने को कहा, जिससे पिच स्पिनरों को मदद करे और टीम इंडिया चौथे दिन के आखिर में न्यूजीलैंड के कुछ विकेट ले पाए और टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का चौथे दिन के सेकंड लास्ट ओवर में एक विकेट भी ले लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कल टीम इंडिया न्यूजीलैंड के 9 विकेट ले पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।